एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने होली और शबे बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस लाइन के सभागार में गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें जनपद के सभी थाना अध्यक्ष शामिल रहे और उनको गोष्ठी के माध्यम से बताया गया कि होली व शबे बारात को सकुशल संपन्न कराएं। इसके साथ ही फोर्स की तैनाती, लोगों से शांति व्यवस्था की मीटिंग करने के लिए, लोगों से संपर्क में रहने के लिए होलिका दहन, रंगों की होली पर चाक चौबंद व्यवस्था के लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है और एलआईयू टीम को सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए बताया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रविवार को निर्देशित किया गया और अग्निशमन दल को बताया गया कि जहां जहां होलिका दहन होगा वहां पर फायर विभाग उपलब्ध रहे, जिससे जरूरत पड़ने पर फायर की गाड़ियां तुरंत पहुंच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आने वाले होली और शबे बारात के त्यौहार को देखते हुए पुलिस लाइन गोरखपुर में सभी जनपद के पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें कि जनपद के तमाम पुलिस अधिकारियों को गोष्ठी करके आगामी होली और शबे बारात के त्यौहार के संबंध में तैयारियों के बारे में बताया गया, संसाधनों की उपलब्धता और फोर्स की तैनाती, लोगों से शांति व्यवस्था की मीटिंग करने के लिए, लोगों से संपर्क में रहने के लिए, जो होलिका दहन है, रंगों की होली है और जो शबे बारात के रात में कार्यक्रम होंगे उनको देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था के लिए बताया गया है। साथ ही जो एलआईयू की टीम है उनको बताया गया है सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए और सभी जगह चेकिंग करने के लिए, जो ट्रैफिक की टीम है उसको ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए बताया गया है, अग्निशमन दल को बताया गया है कि जहां जहां होलिका दहन होगा वहां सतर्कता बरती जाए, अपने सभी स्टेशन पे उपलब्ध रहें हमारे फायर दल के कर्मचारी और ज़रूरत पड़ते ही तुरंत पुलिस की व्यवस्था वहाँ पर मौके पर की जाए।